हेलो एवरीवन, बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल में आपने। आज बात करेंगे हाउ अनिल अंबानी कैन कम बैक। आखिरी रास्ता है अनिल अंबानी के पास कम बैक करने का। देखिए, इस बात की शुरुआत हुई 2002 में, जहां रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई। अपनी डेथ के वक्त वो रिलायंस जैसे बड़े एम्पायर को अपने दोनों बेटों के बीच में प्रॉपरली डिवाइड करके नहीं गए, जिसकी वजह से इस बड़े रिलायंस एम्पायर में बराबर हिस्सेदारी के लिए दोनों भाइयों के बीच में एक टसल क्रिएट हो गई। ये इतनी बड़ी टसल थी कि दोनों भाई आपस में सॉर्ट आउट भी नहीं कर पाए। इस टसल को सॉर्ट आउट करने के लिए दोनों भाइयों की मम्मी को, कोकिला बेन को बीच में आना पड़ा और उन्होंने रिलायंस एम्पायर को दोनों भाइयों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया। 2002 में अनिल अंबानी के पास जो बिजनेसेस गए वो थे रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस का एंटरटेनमेंट चला गया, फाइनेंशियल सर्विसेज चली गई, पावर चला गया और इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया। ये सारे बिजनेस के वो सेक्टर थे जो 2002 के बड़े प्राइम एंड प्रॉपर, जिनका फ्यूचर काफी ग्रोथफुल था। और इसी सारे बिजनेस की कैटेगरी में, इसी सारे प्राइम एंड प्रॉपर बिजनेस की वजह से अनिल अंबानी के पास 2002 में लगभग 42 बिलियन डॉलर का नेटवर्क था। ये इतना सारा पैसा था कि 2002 में इस पैसे ने अनिल अंबानी को दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी बना दिया। ये इतना सारा पैसा था कि अनिल अंबानी अगर हर दिन 1 करोड़ रुपए भी खर्च करते तो उन्हें इस पैसे को खर्च करने के लिए 800 साल लग जाते। लेकिन महज 12 साल के अंदर अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ मिलकर बैंक्रप्टसी फाइल कर दी। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उनके 42 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ अब ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, सिर्फ 20 लाख रुपए उनके अकाउंट में बचे हैं। ऐसी कौन सी गलतियां अनिल अंबानी ने की? देखिए, पहली गलती थी कि वो अपने बिजनेस में फोकस नहीं रख पाए। देखिए, अनिल अंबानी को 2002 में जो बिजनेस मिले वो थे टेलीकॉम का, जो बिजनेस थे वो थे एंटरटेनमेंट का, फाइनेंशियल सर्विसेज का, पावर का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये सारे बिजनेस अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड के थे। इन सारे बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग मैनेजमेंट स्किल्स की, अलग अलग फाइनेंशियल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अकेले अनिल अंबानी इतने डाइवर्सिफाइड बिजनेस को संभाल नहीं पाए। देखिए, आप भी समझते हैं कि किसी एंटरटेनमेंट के बिजनेस को चलाना एक अलग बात है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना एक अलग बात है। दोनों के लिए अलग अलग नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, दोनों के लिए अलग अलग बिजनेस एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। अकेले अनिल अंबानी इन 5 अलग अलग सेक्टर में अपने नॉलेज को रख नहीं पाए, इसीलिए वो बिजनेस को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब क्योंकि बिजनेस में वो एग्जीक्यूशन नहीं आ पाया, इसलिए बिजनेस धीरे धीरे लेस प्रॉफिटेबल हो गया। क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ तो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए, बिजनेस के फंड रेज करने के लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ा और धीरे धीरे अनिल अंबानी के बिजनेस और लॉसेज में चले गए और कर्जा उनपे बढ़ता चला गया। यह था इनका पहला रीजन कि ये फोकस नहीं रख पाए। दूसरा रीजन था, अनिल अंबानी ने हमेशा सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी पे फोकस किया, अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी की तरह वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्रिएट नहीं कर पाए। देखिए, 2002 में रिलायंस कम्युनिकेशन को शुरू किया मुकेश अंबानी ने, क्योंकि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन बिजनेस डिवाइड हुआ तो ये चला गया अनिल अंबानी के पास, क्योंकि ये ड्रीम था मुकेश अंबानी का, इसलिए अनिल अंबानी से ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। 2002 में जब रिलायंस कम्युनिकेशन को शुरू किया गया तो CDMA टेक्नोलॉजी के साथ ही शुरू हुआ, लेकिन इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए काफी सारे कॉम्पिटिटर इस फील्ड में आ गए। कॉम्पिटिटर के आने की वजह से नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आई तो GSM टेक्नोलॉजी आ गई, 2G आया, 3G आया, जिसकी वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी मार्केट के इस कॉम्पिटिशन को झेल नहीं पाए। मार्केट में आने वाली नई टेक्नोलॉजी का वो सामना नहीं कर पाए। उस टेक्नोलॉजी का सामना करने के लिए बिजनेस में नए नए टूल्स इक्विपमेंट्स को लाने के चक्कर में उन्होंने और कर्जा ले लिया। कर्जा लेकर के उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने में काफी स्लो हो गए। बिजनेस में वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनाने में रह गए, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट वो भूल गए, जिसकी वजह से वो रिलायंस कम्युनिकेशन को एक कॉम्पिटेबल बिजनेस नहीं बना पाए। और धीरे धीरे देखते ही देखते रिलायंस कम्युनिकेशन कॉम्पिटिशन से पीछे चला गया और उन्हें लॉस उठाना पड़ा। ये थी इनकी दूसरी प्रॉब्लम। इनकी तीसरी प्रॉब्लम थी कि इन्होंने कोल और गैस के लिए अपने बड़े भाई के साथ एक डील की थी। उस डील में मुकेश अंबानी ने इनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से अनिल अंबानी की रेपुटेशन मार्केट में थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से मार्केट में ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि जब बड़ा भाई छोटे भाई पे ट्रस्ट नहीं करता तो दूसरे इन्वेस्टर उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी अनिल अंबानी की रेपुटेशन काफी कम हुई। 2002 में जो मार्केट वैल्यूएशन इनका 42 बिलियन डॉलर का था, लगभग 2011 के आते आते वो 5.5 बिलियन डॉलर का और 2013 के आते लगभग 3.3 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ रह गया। इस गिरती हुई नेटवर्थ में और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उस रफाल डील ने। देखिए, रफाल डील मिलनी चाहिए थी HAL को, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, क्योंकि उन्हें इस काम का एक्सपीरियंस था। लेकिन गवर्नमेंट ने यह डील पकड़ा दी अनिल अंबानी को, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो मार्केट में यह भी एक रूमर उड़ने लगा कि गवर्नमेंट ने अनिल अंबानी को एक अनबायस्ड एडवांटेज दे दिया, जिसकी वजह से अनिल अंबानी की रेपुटेशन मार्केट में खत्म होती चली गई, इनका नेटवर्थ और कम होता चला गया। इसकी वजह से उनके जो बिजनेस ऑलरेडी
ऑलरेडी सक्सेसफुल चल रहे थे, उन्हें सक्सेसफुल बिजनेस को भी बेच करके फंड रेज करना पड़ा। जैसे कि मुंबई का पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें अडानी ग्रुप को बेचना पड़ा लगभग 18,000 करोड़ में। इन्हें अपना सीमेंट बिजनेस बेचना पड़ा बिरलास को लगभग 5,000 करोड़ में, जिसकी वजह से इनके बिजनेस में फंड रेज तो हो गया लेकिन इनके चलते बिजनेस भी बिक गए और जो बिजनेस बंद थे वो ऑलरेडी खत्म होते चले गए और धीरे धीरे अनिल अंबानी के ऊपर डेट का बर्डन आ गया। और देखते ही देखते 2016 के आते आते अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ मिलकर एक बैंक्रप्सी फाइल कर दी। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास जितना भी पैसा था अब वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, मेरे अकाउंट में अब सिर्फ 20 लाख रुपए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं हुई। जैसे अनिल अंबानी ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल की, वहां 3 चाइनीज बैंक ने इनके ऊपर लगभग $700 मिलियन के डेट की बात भी बोल दी, जिसकी वजह से अनिल अंबानी की जो रही सही कसर थी, रहे सहे ऑप्शन थे, वो भी अब बिजनेस के अंदर खत्म हो गए। इस वजह से अनिल अंबानी के $42 बिलियन का नेटवर्क लगभग 20 लाख तक पहुंच गया। जो पैसा 800 साल तक अनिल अंबानी आराम से चला सकते थे, उसे महज 12 साल के अंदर अपने रॉन्ग एग्जीक्यूशन, पुअर प्लानिंग की वजह से उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन अब अनिल अंबानी के पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता है अपने आप को बिजनेस लाइन में वापस लाने के लिए। वो ये है कि अनिल अंबानी को अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी के साथ मिलकर के बिजनेस कर लेना चाहिए। देखिए, अगर दोनों भाई मिल जाते हैं तो देखिए, अनिल अंबानी के पास बिजनेस की मार्केटिंग स्किल्स की काफी अच्छी नॉलेज है, बिजनेस में फंड रेज करने की काफी अच्छी एबिलिटीज हैं, और मुकेश अंबानी की बात करूं तो मुकेश अंबानी के अंदर बिजनेस को चलाने का गजब का सेंस है। बिजनेस के एग्जीक्यूशन को, बिजनेस की प्लानिंग वो काफी अच्छे से कर सकते हैं, बिजनेस के फ्यूचर प्रेडिक्शंस को वो काफी अच्छे से कर सकते हैं, बिजनेस में किस तरह की फ्यूचर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो काफी अच्छे से कर सकते हैं, ये हम सब ऑलरेडी जानते हैं। 2010 से उन्होंने प्लानिंग की थी जियो की और 2016 में उसे लॉन्च किया और आज जियो मार्केट का लीडर बना हुआ है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मुकेश अंबानी के पास काफी अच्छी एग्जीक्यूशन नॉलेज है, अनिल अंबानी के पास फंड रेज की काफी अच्छी नॉलेज है। अगर दोनों भाई मिल जाएं तो एक ऐसा बिजनेस वेंचर वो क्रिएट कर सकते हैं जिससे अनिल अंबानी के पास एक रास्ता क्रिएट हो सकता है और मुकेश अंबानी अनिल अंबानी मिलकर इंडिया के अंदर एक और सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर बना सकते हैं। लेकिन तब पॉसिबल होगा जब दोनों भाई मिलकर काम करें। एज अ व्यूअर, आपको क्या लगता है, क्या कभी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी मिलकर काम करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए। फ्यूचर में ऐसी ही केस स्टडी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।